हेलो गाइस, हाय आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके हैं अलव कुंटापुरम लोग के सामजवर गमना सॉन्ग का रिएक्शन। और इस बार फुल सॉन्ग आ चुका है। पहले हमने वो कोक स्टूडियो टाइप जो उसका बनाया गया था वो किया था, और उसमें वो श्री श्रीराम बहुत शानदार लग रहे थे गाते हुए, एंड साथ में पूरा माहौल भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था। लेकिन अब हम देखते हैं कि पूरा सॉन्ग कैसा आया है, लाइक वो मूवी में जो दिखाया गया वो फुल सॉन्ग है। सो मजा आएगा देखने। हाँ, और हमने जब लास्ट टाइम ये सॉन्ग सुना था, एक पूरा कोक स्टूडियो का माहौल था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने बीच बीच में बहुत मर्मरिंग भी करी थी, सबने बहुत चिल्लाया था कमेंट्स में कि आप मर्मरिंग मत करिए, तू बोल भी बहुत रहा था, तो सब बोल रहे थे बोलिए मत। कि इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया था ना फर्स्ट टाइम मुझे, और आई वॉज लाइक मैं डीप इमोशन में चली गई थी वो सॉन्ग सुन के। अब वीडियो में देखते कैसा इमोशन आता है और क्या होता है, मैं एक्साइटेड हुई है वापस से सुनने के लिए सॉन्ग, क्योंकि मैंने उसके बाद मैंने वापस ये सॉन्ग सुना ही नहीं। तो दैट्स व्हाई आई एम मोर एक्साइटेड। वही, और द मोस्ट ट्रेंडिंग लव सॉन्ग बन गया था ये रिसेंटली का, बिकॉज इतना लोगों को पसंद आया, हर जगह ये फैल गया था, और इतना लोगों को प्यार आया इस सॉन्ग को सुन के। एंड अब देखते हैं इसका मतलब किस तरीके से इसको विजुलाइज करवाया गया, तो देखते हैं कैसा होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स। पूजा हेगड़े ना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या देख के खुश हुए? लेग्स। हो गए इमेजिनेशन। वाओ, वाओ, सो ब्यूटीफुल। इसके लिरिक्स एंड पूजा हेगड़े सुपर हॉट, एंड ऊपर से अल्लू अर्जुन का एकदम मिनिमलिस्टिक डांस गया। ज़्यादा डांस नहीं किया, कम किया, पर बहुत एकदम एक्सप्रेसिव डांस है। इस सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, दैट इज द बिग डील। क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। So madly in love, यार। Wow, यार। मेरे को लगता है सॉन्ग जोरदार है, उसकी विजुअलाइजेशन तो और जोरदार है। क्या
कितना रोमांटिक सॉन्ग है यार, उससे ज्यादा उससे अच्छा तो मतलब हमें सुनने में इतना अच्छा लग रहा था, अब तो विजुअलाइजेशन पूरा देख लिया हमने इसका फुल वीडियो तो और अच्छा लगने लग गया। मतलब जिस तरीके से मतलब डांस किया वही बड़ी बात है इस सॉन्ग पे, और मतलब जिस तरीके से एकदम स्लो मोशंस के मतलब थोड़ा क्लासिकल टच डाला है कि ऐसे ऐसे अल्लू अर्जुन ने थोड़ा क्लासिकल टच करके डांस किया, वो देखने में अच्छा लग रहा था और सुनने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे स्टार्टिंग की बहुत मजा लगी जैसे ही पूजा हेगड़े ने कोट उतारा और ही वाज लाइक वो लेग्स देख के लुक एट हर यार, उसका रिएक्शन अल्लू अर्जुन का वाज लाइक। और आगे तो और भी मतलब उसके बाद धीरे धीरे जब आ रहे थे तो वो एफिल टावर वाला फिर ऐसे बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे अलग अलग काइंड ऑफ वो जब वो नीचे लेट के काइंड ऑफ पैरों के थे बहुत अच्छे अच्छे, मुझे बहुत मतलब क्रिएटिव भी था और मतलब अलग था, पूरी तरीके से खोए हुए थे पूजा हेगड़े के अंदर, लाइक उन्हें और कुछ देख ही नहीं रहा था। पूजा हेगड़े की स्माइल ही थी सिर्फ, लेकिन वो एवर प्रेजेंट स्माइल थी एंड आपको पूरे वीडियो में वो खुश करती है उनकी स्माइल देखने के लिए, क्योंकि उनका और कोई नहीं था मेनली, वो यही था कि वो ड्रेसअप होकर आती थी एंड अल्लू अर्जुन को देख के पागल हो जाते थे कि ओह माय गॉड ये कौन है। और मेरे लिए बेस्ट बीट तो वही था वो जो लास्ट में आया था ना, कि जब वो शो में गए हुए थे एंड उसमें से अल्लू अर्जुन गाते हुए आ रहे थे। और नॉर्मली हमने ऐसे बहुत सारे मूवीज में देखा हुआ है, लेकिन मेन जो उनका वो इनोसेंट फेस था ना, एकदम इनोसेंट फेस के आगे आगे बोलते जाना और उसमें सेम पूजा हेगड़े का भी रिएक्ट करना, वो बहुत मस्त लगा था। और मुझे बीच में वो जब वो बालों वाला आया था तो उसे कार उनके ऊपर बाल लहरा रहे थे और ऐसे ही उसने ऐसे ही किया पूजा हेगड़े ने, बस लाइक क्या है तो वो, और ऐसी बहुत सारी क्यूट मोमेंट्स से भरा हुआ ये सॉन्ग था एंड मेनली वो काइंड ऑफ सिली मोमेंट्स बीच बीच में जो आए थे वो मजा आ रहा था। एंड बेस्ट पार्ट लोकेशंस, क्या लोकेशंस चूज किए, लाइक मेरे को जब मैं सॉन्ग सुन रहा था ना एक बहुत थोड़ा एकोस्टिक फीलिंग देता है और आपको एक मन करता है कि हाँ ऐसी कोई जहाँ पे शांत हो, मस्त एकदम मस्त एटमोसफेयर हो, और ये वैसा ही बनाया गया इसको। वो थी ऑरेंज पेड़ पेड़ बाजू में थे और वहाँ से चलते हुए अल्लू अर्जुन आ रहे थे, इवन पूजा हेगड़े वहाँ चलती हुई आ रही थी एंड फिर और जो एक पीछे एक कासल बना हुआ था वो वाली लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन चूज की थी। और बार बार बीच बीच में अल्लू अर्जुन के जो रिएक्शन थे एकदम ऐसे एकदम मेस्मराइज हो गए थे ऐसे करके पूजा को, हर टाइम इज लाइक और वही उनका डांस भी कोई इतना ज्यादा नहीं था पर लेकिन जितना था वो बहुत शानदार था, जैसे तू बता रही थी वो हाथ की मूवमेंट थी क्लासिकल वो बहुत कमाल की थी। और उसमें बीच में एक शॉट भी आया था जो कैसल वाला ही शॉट था, सिर्फ इतना सही जिसमें वो चल रहे हैं आगे और उनके पीछे तीन और थे, वो शॉट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत कमाल का सॉन्ग लगा, लाइक इसको सुनने में तो हमने पहले सुना हुआ था वो बहुत जोरदार लगा था लेकिन अब देखने में तो विजुअल ऐसे तो नेक्स्ट लेवल है, बहुत कमाल का सॉन्ग लगा। आप लोग ऐसे लगा आप कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसी लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।